पीएचई विभाग के जिला कार्यपालन यंत्री पर 50 लाख के फर्जी भुगतान का आरोप लगा है, जिसकी जांच करने के लिए उपयंत्री ऑफिस पहुंचे, लेकिन उनकी यह जांच भी सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल यह मामला भिंड जिले का है। यहां पदस्थ पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल पर अपने चहेते ठेकेदारों को 50 लाख रुपए के फर्जी भुगतान करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंदौर की किसी कंपनी को यह भुगतान किया है, जिसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम का गठन भी कर दिया गया, लेकिन अब यह जांच ही सवालों के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि जांच करने के लिए ऑफिस बंद होने के समय एक ही अधिकारी एसपी पांडे पहुंचे, जिन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर जांच की, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि उन्हें कोई दस्तावेज ही नहीं मिले। बताया जा रहा है कि आनंद फानन में जांच के नाम पर प्रतिवेदन तैयार किया गया। जांच करने पहुंचे उपयंत्री एसपी पांडे के मुताबिक विभिन्न बिंदुओं पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी सर, इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि कार्यपालन भिंड के द्वारा साठगांठ करके फर्जी तरीके से बिगर टेंडरिंग की है, 25-25 हज़ार की कोटेशन करके इंदौर की किसी फर्म को गलत तरीके से भुगतान किया है। किस काम के लिए? सपोर्ट एक्टिविटी, सहायक गतिविधियों। इसके उसमें मुख्य अभियंता महोदय ने जांच के लिए एक समिति गठित की थी, जिसमें अधीक्षण यंत्री श्री करैया साहब और मैं एसपी पांडे, सहायक यंत्री कार्यालय अधीक्षण यंत्री मुरैना और भूपेन्द्र सिंह जी संभागीय लेखापाल लोक स्वास्थ्य तंत्र की भिंड, इनके तीन की समिति गठित की गई। तो इसकी जांच में मुझे अधीक्षण यंत्री महोदय करैया साहब ने पत्र द्वारा निर्देशित किया है कि आप जाके संबंधित तथ्यों की जानकारी इकट्ठी करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। सर, कितने रुपए भुगतान का मामला है? टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट जो इसमें शिकायत हुई है वो 5 लाख का है। तो जांच टीम यहाँ पर आई है, क्या देखा है, किस तरह? अभी तो केवल आए, अभी इनसे अब लेंगे, उसके बाद आपको बता पाएंगे क्या क्या जांच के बिंदु यही है कि पहले बिंदु यह है कि कार्यपालन यंत्री ने जो 50 लाख रुपए के कार्यादेश जारी करके वित्तीय वर्ष 2021 में फर्जी भुगतान किए हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि 25-25 हज़ार के कोटेशन दूसरा वर्कआउट अपने चयनित ठेकेदार को इन्होंने प्रावधान किए। तीसरा यह है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत फर्जी भुगतान किया गया है, जिसके कारण कि डीडी पावर पर रोक लगाई है। अच्छा, तीन दिन हो गए। रिकॉर्ड जब्त करने के लिए आदेश है जी? रिकॉर्ड जब्त करने के लिए आदेश नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जो बताया जा रहा है, जो उसमें लेखापाल हैं वो भिंड में ही पदस्थ हैं, जिसमें वो उनके द्वारा हस्ताक्षरित होके जो भी भुगतान हुए वो सब जांच के बाद मालूम पड़े। उनके नहीं, वही जांच टीम में शामिल है। शामिल है ना सर, संभागीय लेखापाल लोक शायदी जब उनके इसका सही उत्तर तो मुख्य अभियंता महोदय आपको दे सकते। जब उनके हस्ताक्षर के आधार पर ही जब पैसा जो निकलता है उन्हीं को टीम में शामिल किया गया। जी जी, ये समिति जो गठित की गई है वो मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा की गई है। तो आपको ही लगता है टीम में इनका जो नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। मुख्य अभियंता महोदय अभी आप अकेले दिखाई दे रहे हैं? मैं अकेले, हाँ अकेले ही आए। कितने लोग हैं टीम में? तीन लोग हैं, अधीक्षण यंत्री मुरैना और डीए साहब जो भिंड के हैं वो मैं। तो मेरे को अधीक्षण यंत्री महोदय ने निर्देशित किया। अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी इनके जो भी संबंधित अभिलेख हैं उनको। कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल के अनुसार फर्जी भुगतान की कोई बात नहीं है। सर, आप पे आरोप लगाया कि सर 50 लाख रुपए के आपने फर्जी भुगतान कर दी है, जिसकी आज जाँच करने के लिए पांडे जी आए हैं, क्या मामला है सर? अब जी आए, जब जी बताएंगे, अब आ तो गए सामने, तभी पता चलेगा क्या है। इस शिकायत में सर इंदौर की किसी कंपनी का जिक्र किया गया है कि उसको 50 लाख का भुगतान किया गया है, उसमें कुछ हेर फेर है, तो कौन सी कंपनी है ऐसी आपने किसको भुगतान किया है 50 लाख? ये तो आपको पता होगा। नहीं नहीं, फर्जी वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, इंदौर की है कौन सी कंपनी जिसको आपने भुगतान किया है? इंदौर की कौन सी कंपनी है जिसको आपने, या कौन सा व्यक्ति है पर्टिकुलर जिसको आपने भुगतान किया है? अब अलग अलग काम चल रहा है उसकी, अब कौन सी की बात हो रही है कैसे पता चला? इंदौर की कुछ भुगतान किए हैं आपने? हाँ। कितने भुगतान किए टोटल? आप थोड़ी जाएगा आप मुझे मानिए, वो तो अलग अलग वाउचर्स के साथ देखना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में कार्यपालन यंत्री कितने दोषी पाए जाते हैं, या जांच केवल एक महज दिखावा साबित होगी। एमपी न्यूज के लिए मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट, भिंड।